मैं शेयर कर रही हूँ बेटा स्क्रीन। थोड़ा सा मुझे आइडिया दोगे कि हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था? ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन मैंने शुरू करा दिया था। यस मैम, ओके, ये हम कर चुके थे। डी ब्रोगली इक्वेशन पर था ये वाले पे डी ब्रोगली। जी। अच्छा, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब यहां तक मैंने ये समझा दिया था ना, एन लैम्डा, ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2L, है ना? ये सब हो गया था, यहां से शुरू करना था अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। यस मैम। ओके ओके, दैट्स गुड। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है? डी ब्रोगलीज फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। एक्चुअली होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी, है ना? वेर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ पार्टिकल, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं वो सी ले रहे हैं, राइट? सी सी इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। और एक्स उसके पैरों में लिखने का मतलब है कि इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है? सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एच बाय लेमडा, या मतलब थोड़ा रीअरेंज करके, विच इज इक्वल टू एम सी एक्स, राइट? और एम सी एक्स क्या होता है, यानी एम वी क्या होता है? दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम पी, राइट? सो पी इज इक्वल टू एम वी, वी की जगह हम यूज कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए सिंबल सी एक्स, राइट? सो हेंस ई एक्स, यानी कि एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 m एच बाय लैम्डा होल स्क्वायर, क्योंकि हमने वी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, इसकी वैल्यू पुट करनी है, राइट? सो ये आ जाएगा हमारे पास एच बाय लैम्डा होल स्क्वायर, राइट? तो इसको हम रीराइट करके लिख सकते हैं 1/2 m इंटू एच एन बाय 2 L होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमने लिखा था कि एन लैम्डा किसके बराबर होता है? 2 L के बराबर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 L बाय एन। तो इसकी वैल्यू अब हमने यहाँ लैम्डा में पुट कर दी, ठीक है? क्योंकि लैम्डा नीचे है, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2L नीचे रह गया, n ऊपर चला गया। सो दिस इज 1/2 m एच एन बाय 2L होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, स्क्वायर को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर, राइट? तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी, यानी कि इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर, ठीक है? छोटी क्लासेस में आप एल की जगह यहाँ ए लिखते होते थे। सो ए क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, या एल क्या है? लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है? सो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, राइट? सो पुट दिस वैल्यू ऑफ ई एक्स इन इक्वेशन वन, वो जो पहली हमारी पार्टीशन फंक्शन वाली इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो क्यू टी पैरों में लिखने का मतलब है ट्रांसलेशनल, तो क्यू किसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं? फॉर पार्टीशन फंक्शन। सो क्यू टी या एफ टी फॉर पार्टीशन फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू समेशन ई रेस टू द पावर माइनस एप्सिलॉन एक्स ओवर के टी। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, समेशन ई रेस टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी, ठीक है? तो ये हमारे पास आया पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन। सो द एनर्जी लेवल्स आर सो क्लोजली स्पेस्ड, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं दैट वेरिएशन ऑफ एनर्जी कैन बी टेकन एज कॉन्टिन्यूस, यानी कि ट्रांसलेशनल जो ये है एनर्जी लेवल्स, ठीक है, वो इतने पास 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 होते हैं कि ये माना जाता है कि इसमें जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस है, एंड समेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। तो फिर यहाँ पे ये जो समेशन है इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? एंड पुट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, एन क्या होगा, एन कैन बी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? एनर्जी लेवल एच भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट होता है, और एल भी कांस्टेंट है।
So let this whole thing be equal to something constant and let it be a square. हमने इसको a square constant के बराबर कर दिया और हम इसको अगर square दोनों तरफ cancel कर दें, right? तो यानी कि square taking square root of both sides, तो ये हमारे पास आ जाएगा NH is equal to AL into 8MKT to the power 1/2. ठीक है, AL को हमने बाहर रहने दिया और 8MKT क्योंकि इसकी स्क्वायर रूट में पावर होगी, राइट? क्योंकि ये स्क्वायर नहीं था ना, तो इसकी पावर 1/2 हो जाए, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, इस चीज का हम ले रहे हैं डिफरेंशिएशन, राइट? तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन लोगे, ये आ गया dn, h कांस्टेंट है, h को उधर ले जाओ, सो h यहां नीचे आ जाएगा, सो ये हमारे पास हो गया l by h, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा a को छोड़ के, सो 8mkt raised to the power 1/2 da, क्योंकि जब हम यहां पे इंटीग्रेशन में कोई चीज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो नेचुरली हमें उस वो जो भी हम चीज सपोज कर रहे हैं उसका हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, राइट? सो अब हम इस dn की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, राइट? और इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे. सो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी मैं स्टेप्स बोल रही हूं. इज इट क्लियर? यस. ठीक है. सो देयरफॉर एफटी, एफटी का मतलब है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन, इज इक्वल टू 8mkt रेस टू द पावर 1/2 इनटू एल डिवाइडेड बाय एच इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity, और यहां पे हमने इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया और ये पूरी टर्म हमारे पास हो गई रेस टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एंड डी ए. ठीक है, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन ये आ रही है 0 to infinity ई रेस टू द पावर माइनस ए स्क्वायर डी ए, इसका आंसर अंडर रूट पाई बाय 4 होता है. इसको कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस, अंडर रूट पाई बाय 4. सो हमने सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, अंडर रूट पाई बाय 4. ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और रीराइट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2πm, क्योंकि यहां पे भी अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 मतलब 2 है ना, और यहां पे अंदर अंडर रूट 8 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा सिर्फ 2. तो 2πmkt, ये चीजें अंडर रूट में, इनटू एल बाय एच, ये हमारे पास वैल्यू आ गई. ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आ गई. ठीक है, सिमिलरली ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर, ये हमारे पास आई है पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल इन वन डायमेंशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशन. ठीक है, सिमिलरली ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल. ठीक है, थ्री डायमेंशन में कैसे होगा, जब एक्स वाई जी तीनों लेंगे, इट इज गिवन बाय एफ टी, यानी कि टोटल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन इंटू वाई डायरेक्शन इंटू जी डायरेक्शन. ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट. तो हमने एक्स वाला निकाला है, सिमिलरली हम वाई का लिखेंगे, सिमिलरली हम जी का लिखेंगे और तीनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे. तो ये हमारे पास आ गया टोटल ट्रांजिशन पार्टीशन फंक्शन, विच इज इक्वल टू जो हमारा एक्स डायरेक्शन में आया था वो वाला फॉर्मूला लिख दिया, वाई डायरेक्शन में हम ए की जगह पे बी कर देंगे, बी कांस्टेंट ले लेंगे, जी डायरेक्शन में हम उसको सी कांस्टेंट ले लेंगे. ठीक है, और फिर हम तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये तीनों चीजें जो हैं ये कांस्टेंट थी और इनकी पावर 1/2 थी. जब कोई चीजें प्रोडक्ट में होती हैं तो उनकी पावर्स एड अप हो जाती हैं, है ना? सो ये कॉमन चीज है, इन तीनों की पावर एड अप हो गई तो ये हो गई 3/2. सो 2πmkt
रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एच क्यूब, ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो गए इन टू वी, बिकॉज वी इज वॉल्यूम. सो ए इंटू बी इंटू सी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम. सो लेट इट बी नंबर 3, राइट. सो सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2πmkt by h square whole raised to the power 3/2, whole raised to the power 3/2, ठीक है. h क्यूब जो बाहर था उसको भी हमने क्यूब रूट में ले लिया, राइट. तो उसको हमने h square कर दिया, h square whole raised to the power 3/2 into v. सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी, एफ नॉट या क्यू नॉट, जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हो. सो ये क्या है, इट इज द पार्टीशन फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम. एफ नॉट इज पार्टीशन फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. सो इक्वेशन 3, ये वाला जो इक्वेशन है, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज क्यू टी या एफ टी विच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय दिस इज लैम्डा, ठीक है. एक लैम्डा ऐसा होता है, एक लैम्डा ऐसा होता है, ठीक है. सो क्यूब, राइट. सो इट कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो, वेयर दिस लैम्डा इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πmkt रेस टू द पावर 1/2, राइट. एंड दिस लैम्डा इज एक्चुअली थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको हम थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस. इतना समझ में आ गया? यस मैम. ओके. इफ m इज द मास पर मोल, अगर m, कैपिटल m जो है वो मास है पर मोल, देन m स्मॉल m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n a, है ना. अगर m मास पर मोल है, पर मोल, एक मोल में कितना होता है एवोगाड्रोस नंबर, 6.022 × 10⁻², ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया m, राइट. एंड k इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है R, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन ए, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर आप एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दोगे, आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है K, ठीक है. तो वी कैन राइट दिस दिस इक्वेशन इन अनदर फॉर्म. सो क्यू टी और एफ टी इज इक्वल टू 2π, स्मॉल m की जगह पे हम अब कैपिटल m लिख सकते हैं, ठीक है. आर टी, के की जगह पे आर ले सकते हैं, बिकॉज के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है. तो आर क्या होता है, के, के क्या होता है, आर बाय एन ए. तो जहां पे के था वहां पे आर बाय एन ए कर दोगे. सो एम आर टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एन ए स्क्वायर, एन ए स्क्वायर इज एवोगाड्रोस नंबर का स्क्वायर, होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू वी एम. Now, what is Vm? Vm is volume per mole. यहाँ पे V था volume per molecule. यहाँ पे है volume per mole. I hope it is clear. Yes, ma'am. तो ये हमारे पास actually आया partition function per mole के हिसाब से, ठीक है. So, for a gas एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई गैस वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. और वॉल्यूम पर मोल वी एम, सपोज इट इज 8.26 × 10⁵ टेस्ला मीटर क्यूब, ठीक है. तो यही सिक्स इक्वेशन जो है, इट बिकम्स क्यू टी नॉट, क्यू टी नॉट या एफ टी नॉट डिवाइडेड बाय एन ए, यानी एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ऑल राइट, मास रेज टू द पावर 3/2 एंड नो, दिस इज नॉट टेस्ला, दिस इज टेम्परेचर, सॉरी, दिस इज टेम्परेचर, टी इज फॉर टेम्परेचर. सो टी टेम्परेचर रेज टू द पावर 5/2, ठीक है.
So thus, for hydrogen gas at 27 degree, अगर हमने हाइड्रोजन गैस लेना है 27 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसकी QT यानी पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 10^5. वो 10^5 के आसपास आई. इज इट ओके? ठीक है, राइट. सो यूजिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हैं, तो ये है हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. वहां पे हमने टी नहीं लिखा था पैरों में, हम यहाँ पे टी लिख रहे हैं क्योंकि हम ट्रांसलेशनल एनर्जी के लिए ले रहे हैं. सो एन टी इज इक्वल टू एन यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ई रेस टू द पावर माइनस एप्सिलॉन टी बाय के टी डिवाइडेड बाय एफ टी. एफ टी इज पार्टीशन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन. ठीक है, सिंस एप्सिलॉन आई ओवर के टी इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि एप्सिलॉन आई ओवर के टी या एप्सिलॉन टी ओवर के टी, आई का मतलब है फॉर आईथ लेवल, अभी हम फिर फिलहाल ट्रांसलेशनल के लिए ले रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव नंबर होता है. और एन टी कैनॉट बी ग्रेटर देन एन बाई क्यू टी, राइट. सो एन टी जो है यानी कि ट्रांसलेशनल लेवल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता. या हम ऐसे कह सकते हैं कि n डिवाइडेड बाय qt इज अप्रोक्सीमेटली 10^-5. ठीक है, सो द अबव रिजल्ट शोज दैट दो n इज वेरी लार्ज, क्योंकि n यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटम स्टेट्स यानी qt यानी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन इज इवन लार्जर, इससे भी ज्यादा होगा. सो दैट probability of any one this quantum state occupied by a given molecule is very small. I hope it is clear. यहां तक क्लियर है आपको? हाँ जी बच्चे बताइए, कितना क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. So ये एक पार्ट था, आज आपने सिर्फ किया है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन. ठीक है, अगर आप दो मिनट